उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करी है। उसी कड़ी में आज आगरा से लेकर फिरोजाबाद में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बिजली का बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ किया जाए और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उसे भी खत्म किया जाए। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और संघर्ष कर रही है लोगों की समस्याओं को लेकर। अभी हिंदुस्तान के लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने एक मौका नहीं छोड़ा। वो सब परेशानियों के बाद भी अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि ज़रूरत है किसानों की मदद करने की। ओलावृष्टि में लाखों किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि 10-10 लाख रुपए किसानों को मुआवजा दिया जाए, वो सब अनदेखा करने के बाद पेट्रोल डीजल बढ़ा देना, जो असली मुद्दे थे शाहीन बाग के लोगों से बात करके उसमें कोई न्याय करना, कपिल मिश्रा की अरेस्टिंग होनी चाहिए, 53 लोगों का हत्यारा है वो, उसको बचाकर, उसको छुपाकर, उसको और सिक्योरिटी दे देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार गलत कर रही है, उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और हम करते रहेंगे। ऐसा हमारे प्रदेश की प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जो हम लोगों की मेन मांग है वो ये है, जिस तरह से ओलावृष्टि से और प्राकृतिक आपदा आने से किसानों का जो नुकसान हो रहा है, किसान जो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है, जो ये प्रदेश में और देश में जो सरकार है जो पूरी तरह से किसान विरोधी, जन विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी जो सरकार है, उसके कानों पर हम ये दस्तक देना चाहते हैं कि हमारा देश जो 70% कृषि पर निर्भर है, जो पूरी तरह से कृषि प्रधान देश है हमारा, यहाँ पर 70% जो जनता है वो कृषि के काम से ही लगी हुई है, उसको अगर आप सहूलियत नहीं दोगे तो उसका जो उबाल है, उसका गुस्सा किसी भी दिन फट सकता है। और इसी तरीके की घटनाओं की जिस तरह से नारकी ब्लॉक में कल आपने देखा, अखई में एक किसान ने मौत को अपने गले लगा लिया, दो मर गए, इसी तरीके से प्राकृतिक आपदा आने से हरदासपुर में आप देखिए वेदपाल जी के मकान में बिजली गिरी, वहां उनके भैंस खत्म हो गई और साहब उनके दीवार पूरी की पूरी टूट गई, मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो चीजें हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ के हमेशा किसानों की समस्या को उठाती रहेगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत ये हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की कीमतें 30% कम हो गई हैं, और आप देखिए उस हिसाब से भारत में पेट्रोल जो है वो 30 रुपए लीटर और डीजल जो है 25 रुपए लीटर बिकना चाहिए, लेकिन ये जो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसको आप देखिए 72 रुपए 75 रुपए पेट्रोल और 65-68 रुपए डीजल बिकवा रही है। आज ये बताइए, किसान की खेत में लगा हुआ है, उसका कटाई का समय है, उसका इंजन भी चलता है, उसमें डीजल खर्च होता है, अगर उसको ये सहूलियत देंगे तो उसको उसका जो नुकसान है थोड़ा कम होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं, इस सरकार को सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना है, इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। किसान मरता है तो मरने दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, आम जनता के लिए वो सड़कों पर भी संघर्ष करेगी और पार्लियामेंट और विधानसभा में भी संघर्ष करेगी। अगर इस बात का को नहीं माना गया तो आपको हम जल्द बता रहे हैं, जल्द से जल्द बड़े स्तर पर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उनके द्वारा जो है मांग की गई है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो डीजल और पेट्रोल में जो मूल्य वृद्धि की गई उसके विरोध में उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचाया जाएगा।